अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। आपको बता दें कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है और साथ ही साथ इस पूरे हादसे में दो लोग जो है वो जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो बाइक से पिपरिया जा रहे थे तीनों युवक, इसके बाद भीषण हादसा हुआ। वही मितौली में लखीमपुर रोड के पास एक घटना घटी है। तो लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दो लोग जो है इस पूरे हादसे में जख्मी हो चुके हैं और इसी के साथ एक शख्स ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो बाइक से पिपरिया जा रहे थे तीनों युवक, जिसके बाद एक घटना घटती है और इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ दो जो लोग बाइक पर जा रहे थे उसके साथ उनको भी फिलहाल इस पूरे हादसे में गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक में इतनी जोर से टक्कर मारी, इसके बाद बाइक सवार तीनों ही युवक जो है वो जमीन पर गिर गए, इसके बाद एक ही मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दो लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। तो आए दिन सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आती रहती है, ऐसे में ये पूरा मामला, जहां पर बाइक से पिपरिया जा रहे तीनों युवक का जो है अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक में टक्कर मारी, इसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। तो मितौली में लखीमपुर रोड के पास एक घटना घटी है। वही बात अब बहराइच की, जहां पर बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र में 31 मार्च को पंचायत चुनाव के मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए, आपको बता दें राजस्व टीम गांव में जांच करने गई थी। वहीं जांच के दौरान पंचायत चुनाव लड़ने वाले दो प्रत्याशियों के बीच जो है कुछ आपस में कहासुनी हो गई थी। फिलहाल समाजवादी पार्टी का 5 मेंबर प्रतिनिधि मंडल जो है पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचा, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और जिसको लेकर राजस्व विभाग की टीम ने जो है थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। तो वही सपा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर निर्दोष लोगों के घरों में पुलिस ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है और लूटपाट भी की है, और साथ ही साथ मुकदमा दर्ज करके 12 को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी जो है पूर्व विधायक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी दी है, और इसी को देखते हुए जिस पर समाजवादी पार्टी का 5 नेताओं का जो मंडल है वो आज भवनी सैदा पहुंचकर पुलिसिया उत्पीड़न और घटना के संबंध में सिलसिलेवार जानकारी ली और पीड़ितों से मुलाकात भी की, और मुलाकात की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में तमाम सपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं और पूरा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है, और इस पूरे मामले को देखते हुए पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए ये 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंचा है।